आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलर नाइटिया में। आज का जो हमारी क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी MCQ, जैसे मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो मॉड्यूल का नाम है स्पेशल जॉब मेंटेनेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारी क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी MCQ, मॉड्यूल का नाम है स्पेशल जॉब मेंटेनेंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरी शो एज फॉर द इंडिपेंडेंट चक। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फॉर द जो इंडिपेंडेंट चक, इसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, फोर्जा इंडिपेंडेंट चक। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्जा इंडिपेंडेंट चक, दूसरा थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक, तीसरा फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है लेथ मैट्रिक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में इस तरह से हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज शो एज डायग्राम। तो स्क्रीन पर आपको जो लेथ एसेसरीज को दिखाया गया है, इस लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये फोर्जा इंडिपेंडेंट चक। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेथ चक है, लेथ चक को नॉर्मली जो डायग्राम होता है, डायग्राम में जो जॉ होता है, जॉ का क्वांटिटी के हिसाब से आपको पहचानना होता है। तो यहाँ पे फोर्जा है, इसलिए मतलब फोर्जा चक है, इसका नाम है फोर्जा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरी शो एज। तो स्क्रीन पर आपको जो लेथ एसेसरीज आपको दिखाया गया है, तो इस लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा लेथ मैंड्रिल, तीसरा थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि चक को पहचान है तो इसके जॉ की सहायता से भी पहचान सकते हैं, तो इसमें थ्रीजा है, मतलब इसका नाम है थ्रीजा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरी शो एज। तो स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा लेथ सेंटर, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज शो एज। तो स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ मैंड्रिल, दूसरा ड्राइविंग प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा लेथ सेंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैच प्लेट। कैच प्लेट, और इसका जैसे ध्यान में रखें कि जो ये ऑप्शन आपको दिया है, तो कैच प्लेट ये हमारा है ड्राइविंग प्लेट एक्चुअली। तो ड्राइविंग प्लेट को किस तरह से पहचाना जाता है, यहाँ पर जो 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 आपको दिखाया जाता है डायग्राम में, इसमें अगर इस तरह से स्लॉट कटा होता है तो उसे ड्राइविंग प्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरी शो एज। तो स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ ट्रैवलिंग स्टडी, दूसरा लेथ फिक्स स्टडी, तीसरा थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक और चौथा ऑप्शन है लेथ कैरियर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ एसेसरीज का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेथ कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर। स्क्रीन पर दिखाया गया लेथ सेंटर का नाम क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीमेल सेंटर, दूसरा ऑर्डिनरी सेंटर, तीसरा रिवॉल्विंग सेंटर और चौथा सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ दिखाए गए लेथ सेंटर का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर। लाइव सेंटर कहाँ किसे कहते हैं कि जो सेंटर जो हमारा लेथ मशीन के चक में लगता है, मतलब हेड स्टॉक में लगता है, उसे कहा जाता है लाइव सेंटर, और जो टेल स्टॉक में लगता है उसे कहते हैं डेड सेंटर। तो ये हमारा हेड स्टॉक में लगता है, और सेल्फ ड्राइविंग मतलब यहाँ पर जो आपको स्लॉट कटे दिख रहे हैं, इसके सहायता से जो आपको ये रोटेट करता है, मतलब सेल्फ ड्राइव करता है, इसलिए इसे सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंड्रिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डर टू रेड्यूस द नंबर ऑफ मैंड्रिल्स। कौन सी मैंड्रिल, जो नंबर ऑफ मैंड्रिल मतलब बहुत सारे मैंड्रिल को कम करने के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है कि वह कौन सा मैंड्रिल है जो एक मैंड्रिल को उपयोग करने से तीन चार मैंड्रिल के उपयोग को कम कर सकते हैं हम, तो वह कौन सा मैंड्रिल है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेडेड मैंड्रिल, दूसरा स्टेप मैंड्रिल, तीसरा सॉलिड मैंड्रिल, चौथा गैंग मैंड्रिल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वह कौन सा मैंड्रिल है जिसके उपयोग करने से हम
नंबर ऑफ मैंड्रिल को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेप मैंड्रिल। स्टेप मैंड्रिल में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप अलग अलग डायमीटर के बने होते हैं, जिसके सहायता से हम एक ही मैंड्रिल के ऊपर तीन चार प्रकार के जॉब को हम बांध सकते हैं, तीन चार प्रकार के डायमीटर के, क्योंकि जितना स्टेप बना होगा उतना ही डायमीटर के हम जॉब को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंड्रिल इज नॉट यूज इन बिटवीन द लेथ सेंटर। कौन सी मैंड्रिल लेथ सेंटर के बीच उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोन मैंड्रिल, दूसरा गैंग मैंड्रिल, तीसरा स्टेप मैंड्रिल और चौथा टेपर शैंक मैंड्रिल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा मैंड्रिल है जो लेथ बिटवीन सेंटर में उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैंग मैंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंड्रिल इज यूज फॉर मशीनिंग सिमिलर पार्ट वेयर इंटरनल डायमीटर वेरी स्लाइटली। किस मैंड्रिल का उपयोग सेम समान पार्ट की मशीनिंग के लिए किया जाता है जहां इंटरनल डायमीटर थोड़ा भिन्न होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है गैंग मैंड्रिल, दूसरा स्टेप मैंड्रिल, तीसरा टेपर शैंक मैंड्रिल और चौथा एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन स्टर्ड मैंड्रिल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि किस मैंड्रिल का उपयोग समान पार्ट की मशीनिंग के लिए किया जाता है जहां इंटरनल डायमीटर थोड़ा भिन्न होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेपर शैंक मैंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चक दैट हार्डेंड स्टील स्लीव हैविंग स्लिट्स कट पार्टली। उस चक का नाम क्या है जिसे कठोर स्टील स्लीव होती है जिसमें स्लिट्स हिस्से में कटी होती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन चक, दूसरा कॉलेक्स चक, तीसरा मैग्नेटिक चक और चौथा हाइड्रोलिक चक। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ चक दैट हार्डेंड स्टील स्लीव हैविंग स्लिट्स कट पार्टली, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलेक्स चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चक। तो स्क्रीन पर आपको एक चक का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस चक का नाम क्या है जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश आउट चक, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा ईयर ऑपरेटेड चक और चौथा ड्रॉ इन चक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस स्क्रीन पर दिखाए गए चक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। तो स्क्रीन पर दिखाया गया लुब्रिकेशन का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप, दूसरा विक फीड, तीसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन और चौथा मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इस लुब्रिकेशन का नाम क्या है जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया डायग्राम के थ्रू, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑयल कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिलो सिंबल। तो ये जो सिंबल आपको दिखाया गया है इस सिंबल का नाम क्या है, इसे मेंटेनेंस सिंबल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेली लुब्रिकेशन, दूसरा वीकली लुब्रिकेशन, तीसरा मंथली लुब्रिकेशन और चौथा शेड्यूल लुब्रिकेशन। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नीचे चिन्ह का प्रतिनिधित्व क्या है, मतलब ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यह सिंबल क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीकली लुब्रिकेशन, मतलब जो वीकली हफ्ते में एक बार लुब्रिकेशन किया जाता है तो उसको दर्शाने के लिए इस तरह से सिंबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन अ प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है जैसे क्वेश्चन में पूछा है? इसके लिए पहला ऑप्शन है बेजल, दूसरा एनविल, तीसरा स्टीम और चौथा प्लंजर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इंडिकेट एक्चुअल साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन। कौन सा शब्द एब्रेसिव का एक्चुअल साइज को दर्शाती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर, दूसरा ग्रिड साइज, तीसरा ग्रेड ऑफ बॉन्ड और चौथा एब्रेसिव टाइप। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट टर्म इंडिकेट एक्चुअल साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, एसिड और नॉर्मल टेम्परेचर। कौन सी बॉन्डिंग मटेरियल को पानी, एसिड या सामान्य तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, वह कौन से टाइप का बॉन्डिंग मटेरियल है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेट्रीफाइड बॉन्ड, दूसरा रिजॉइंट बॉन्ड, तीसरा बैक क्लिट बॉन्ड और चौथा रबर बॉन्ड। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से टाइप का मटेरियल को, कौन से टाइप के बॉन्डिंग मटेरियल को पानी, एसिड या
सामान्य टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विट्रीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टॉप मटेरियल, कौन से व्हील टॉप मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा सीमेंटेड कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है सिरेमिक। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हील, विच व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग टॉप मटेरियल, कौन से व्हील का उपयोग टॉप मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस ग्राइंडिंग व्हील टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल टूगेदर, कौन से शब्द एब्रेसिव कणों को साथ में रखने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि जो ग्राइंडिंग व्हील जो एब्रेसिव होते हैं उसको पकड़ने, मतलब एब्रेसिव को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेन, दूसरा ग्रिड, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा बॉन्ड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विच इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस ग्राइंडिंग व्हील टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल टुगेदर, जो एब्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ पकड़ बनाए रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बॉन्ड। बॉन्ड के सहायता से जो एब्रेसिव कण होते हैं जो रेती के जैसे होते हैं वह एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी रेस्ट को दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टडी हिंज, दूसरा एडजस्टिंग स्क्रू, तीसरा फ्रेम और चौथा एडजस्टिंग पैड। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ स्टडी के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है उस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडजस्टिंग पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया इसमें एक डायग्राम था, डायग्राम हमसे छूट गया लेकिन जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू सपोर्ट हॉलो एंड जॉब, हॉलो एंड जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल सेंटर, दूसरा पाइप सेंटर, तीसरा फीमेल सेंटर और चौथा ऑप्शन है टिप सेंटर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हॉलो एंड जॉब को सपोर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाइप सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चक इज मेनली यूज फॉर गेटिंग अ वेरी इफेक्टिव ग्रिप ओवर द जॉब, कौन से चक विशेष रूप से काम पर मतलब जॉब पर बहुत ही प्रभावी पकड़ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश आउट चक, दूसरा कॉलेक्ट चक, तीसरा मैग्नेटिक चक और चौथा हाइड्रोलिक चक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा चक है जो विशेष रूप से जॉब पर और बहुत ही प्रभावी पकड़ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ लुब्रिकेशन फॉर लेथ बेड, लेथ बेड के लिए लुब्रिकेशन की शेड्यूल क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेली किया जाना चाहिए, दूसरा हफ्ते में एक बार किया जाना चाहिए, तीसरा मंथली किया जाना चाहिए, फिर चौथा फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार किया जाना चाहिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ बेड के लिए लुब्रिकेशन की शेड्यूल क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेली, मतलब जब भी हम लेथ मशीन के ऊपर काम करते हैं तो डेली लेथ बेड के ऊपर लुब्रिकेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन। तो स्क्रीन पर आपको एक लुब्रिकेशन का डायग्राम दिखाया गया है, इसके सहायता से आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप मेथड, दूसरा विक फीड मेथड, तीसरा फोर्स फीड सिस्टम और चौथा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, इस लुब्रिकेशन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन मेथड। तो स्क्रीन पर आपको लुब्रिकेशन मेथड का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस डायग्राम के सहायता से आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का लुब्रिकेशन मेथड है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल कप मेथड, दूसरा फोर्स फीड मेथड, तीसरा ग्रेविटी फीड मेथड और चौथा स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए लेथ लुब्रिकेशन का जो मेथड है मेथड का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द ऑपरेशन शो इन फिगर, स्क्रीन पर आपको जो ऑपरेशन दिखाया गया इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ बुश, मतलब जो बुश है बुश का स्क्वायरनेस को चेक किया जा रहा है। या फिर दूसरा चेकिंग पैरेलल ऑफ बुश, मतलब ये जो बुश आपको दिखाई दे रहा है इस बुश की समांतरता को चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा चेकिंग डायमीटर ऑफ बुश, मतलब जो ये बुश आपको दिखाई दे रहा है इस बुश का डायमीटर को चेक कर रहे हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ बुश, मतलब जो बुश है इस बुश की कॉन्सेंट्रिसिटी को चेक किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिखाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेस्टिंग कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ बुश, मतलब ये जो बुश आपको दिखाया गया है बिटवीन सेंटर में जो आपको पकड़ा गया है लेफ्ट पेंट्रल के ऊपर, तो इस बुश की जो कॉन्सेंट्रिसिटी है इस कॉन्सेंट्रिसिटी को डायलेटेशन इंडिकेटर के सहायता से चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म इज यूज फॉर कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इंटू रोटरी मोशन इन प्लंजर डायल गेज। प्लंजर डायल गेज में लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, यही क्वेश्चन है पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रैक एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म, दूसरा स्क्रॉल एंड पिनियन मैकेनिज्म, तीसरा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, चौथा लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच मैकेनिज्म इज यूज फॉर कन्वर्टिंग लीनियर मोशन इंटू रोटरी मोशन इन प्लंजर डायल गेज, प्लंजर डायल गेज में लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सेंटर इज यूज इन द एंड ऑफ द जॉब इफ नो काउंटर सिंक होल इन परमिटेड, कौन से प्रकार के सेंटर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई जॉब के सामने सेंटर होल की अनुमति ना हो। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट टाइप सेंटर, दूसरा रिवॉल्विंग सेंटर, तीसरा फीमेल सेंटर और चौथा बॉल सेंटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था विच टाइप्स ऑफ सेंटर यूज इन द एंड ऑफ द जॉब इफ नो काउंटर संक होल परमिटेड, मतलब जॉब के एंड में अगर कोई होल सेंटर होल की अनुमति नहीं है तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फीमेल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल टू होल्ड द एब्रेसिव पार्टिकल टुगेदर इन ग्राइंडिंग व्हील, वह कौन सा मटेरियल है जो एब्रेसिव कणों को एक साथ रखने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा गाइड, तीसरा बॉन्ड, चौथा ग्रेन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा मटेरियल जो एब्रेसिव पार्टिकल को एक दूसरे के साथ पकड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द केस ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल बिकम एम्बेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, छोटे व्हील के तत्वों का कारण क्या है जो ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन के बीच अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि विच इज द केस ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मटेरियल बिकम एम्बेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, तो जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं जो इसमें जो कुछ दिन काम करने के बाद जो एब्रेसिव के बीच में जो मटेरियल फंस जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्लेजिंग, दूसरा लोडिंग, तीसरा ग्रोबिंग और चौथा ऑप्शन है ड्रेसिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ग्राइंडिंग व्हील है ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव होते हैं उसके बीच में कुछ मटेरियल फंस जाते हैं स्मॉल पार्टिकल जो बीच में फंस जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आज का जो हमारा मॉड्यूल था स्पेशल जॉब एंड मेंटेनेंस, तो इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इंपॉर्टेंट, और इसके अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसमें आपको ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।